तो जितना आप नीचे दबाएंगे उतना फास्ट चलेगा और जितना आप ऊपर करेंगे उतना लो चलेगा। ये जो है वाइब्रेट का बटन है, इसको जो है नीचे करेंगे तो लो वाइब्रेट होगा। तो कैसे हैं, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल इंडिया नंबर वन टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच जेसीबी विब्रो मैक्स BM 117 रोलर के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा इसको जो है कैसे चलाते हैं, इसको क्या क्या फंक्शन है, इसको चलाना सिखाएंगे आज आप सभी के बीच में। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, हमारा यूजर आईडी नाम है BulletKumar68। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। चलते हैं मशीन के पास में और इसको चलाना आप सभी को सिखाते हैं। इसका जो है मॉडल नंबर देख लीजिए, जेसीबी विब्रो मैक्स है। और इसका जो है पार्ट नंबर इधर देख रहे हैं, इधर नहीं, इधर देखिए, आप सभी को दिखा दें। ये देखिए BM 117 है, ठीक है। तो चलिए इसके केबिन में चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं इसको कैसे चलाते हैं। ये देखिए, इसका ऊपर चढ़ने का 3 फाउंडेशन दिया हुआ है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऑपरेटर साहब से मिलते हैं और बताते हैं आप सभी को कैसे इसको चलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है पूरा केबिन रिव्यू ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए केबिन में क्या क्या फंक्शन है। इधर देख रहे हैं लीवर है, इधर पीछे का भी सिस्टम देख लीजिए। इसमें पूरा कांच वो लगता है, जानते हैं पूरा कांच को जैसे पूरा डस्ट इसमें आता है। फाइनली दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का छजनी रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है आप सभी को बताते हैं कैसे इसको चलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इधर जो है स्विच के पास से स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए ये जो है हॉर्न बटन हो गया, ये जो है लाइट हो गया, ये भी जो है लाइट बटन है, और ये जो है इंडिकेटर हो गया इसका। इधर देखिए, इसको जो है चाबी ऑन करके आप सभी को दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चाबी को ऑन कर दिए हैं। इधर देखिए, ये जो है मीटर दिख रहा है आप सभी को, ये डीजल मीटर हो गया, और ये जो है टेम्परेचर मीटर हो गया इसका, इंजी जो है घंटा मीटर जो है इधर दिख रहा है आपको, जो है ये घंटा बताता है। इधर जो है अभी 779.5 घंटा चला हुआ है ये रोलर, ठीक है। इसमें जो है टाइम भी बताता है, देख रहे हैं 11:14 हो रहा है, ठीक है। इसमें टोटल चीज़ बता दिया। और इसको जो है ऊपर देख रहे हैं, ये जो है हैंड ब्रेक का सिग्नल दिखा रहा है, ये लाइट वेट का सिग्नल दिखाता है। इधर जो है स्पीड मीटर है, RPM मीटर जो बोलते हैं, ठीक है। और जो है इसका इधर आ जाइए, ये देख रहे हैं दोनों लाइट का बटन है, और ये जो बटन है ये जो है वाइब्रेट का बटन है। इसको जो है नीचे करेंगे तो लो वाइब्रेट होगा, और हाई वाइब्रेट करना है तो ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऊपर दबा देंगे तो हाई वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक है। और ये जो है ऑटोमेटिक बटन है, ठीक है, इससे जो है ऑटोमेटिक वाइब्रेट जो है बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, आप सभी को दिखा देते हैं इधर का जो है बटन पहले दिखा देते हैं, उसके बाद में आप सभी को लीवर के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा। ये देखिए जो है कछुआ और खरगोश का स्पीड है, देख रहे हैं, ये जो है पीछे दबा देंगे तो खरगोश के स्पीड में जाने लगेगा, और आगे दबा देंगे तो कछुए के स्पीड में चलने लगेगा, ठीक है। ये जो है पार्किंग लाइट हो गया, ठीक है, और ये जो है इसका हैंड ब्रेक हो गया, ठीक है। हैंड ब्रेक जो है दबी, देखिए अभी लगा नहीं है तो हैंड ब्रेक इधर सिग्नल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उसको दबाएंगे, उसको जो है दबा दिए तो इधर देखिए हैंड ब्रेक का सिग्नल दिखाने लगा, ठीक है। ये सिग्नल दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। और ये जो है, ये जो है कोई कंपनी का कुछ ऐसा बटन वटन दिया है, ठीक है, उसके बारे में खास जानकारी नहीं है, उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जो है मेन पॉइंट पे आते हैं आप सभी को, ये जो है इधर देख लीजिए, ये रेस हो गया, रेस मीटर है जो, देख रहे हैं पीछे कर देंगे पूरा फुल रेस हो जाएगा, आगे कर देंगे तो कम रेस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका मेन पॉइंट ये है, देखिए इसको जो है, देखिए ये जो है आगे करने पे आगे जाएगा रोलर, और इसको जो है बीच में लाएंगे उसके बाद न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से इधर दबा करके पीछे करेंगे तो रिवर्स जाने लगेगा रोलर, ठीक है। आईसी में जो है वाइब्रेट दिया हुआ है, इसको जो है ये बटन को दबा करके उसके बाद ले जाएंगे तो इसका जो है वाइब्रेट चालू हो जाएगा। इसमें एक बार दबा देंगे तो वाइब्रेट चालू हो जाएगा, और फिर से दोबारा दबा देंगे तो वाइब्रेट इसका बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है कब दबाना है, जब ये वाला जो है बटन ऑन रहे तभी, क्योंकि इसका जो है स्लो में रोलिंग करना है या फास्ट में रोलिंग करना है ये डिपेंड इस पे करता है, ठीक है। इसको जो है ऊपर मुँह दबा करके रख देंगे तो इसको जब दबेंगे तो पूरा हाई वाइब्रेटिंग होगा, और इसको जो है नीचे मुँह दबा करके रख देंगे और इसको जब दबेंगे तो इसका लो वाइब्रेटिंग होगा, ठीक है।
इसको जो है अभी हाई में रख देते हैं, इसी से जो है हाई लो जो वाइब्रेट होता है वो इसी से होता है, ठीक है। बाकी मिनिमम वाइब्रेट जो है इसी से एनी टाइम चालू होता है और बंद होता है। एक बार दबा के छोड़ देंगे तो वाइब्रेट होने लगेगा और दोबारा दबा के छोड़ेंगे तो वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है फॉरवर्ड देख रहे हैं, इसको फॉरवर्ड करने के लिए इधर दबा करके लेफ्ट साइड में दबा करके इसको आगे करेंगे तो आगे बढ़ने लगेगा, और जो है फिर से बीच में लाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर से इधर दबा करके लेफ्ट साइड में दबा कर पीछे करेंगे तो जो है रिवर्स में जाने लगेगा, ठीक है। आपको सोलो चलाना है या फास्ट चलाना है ये अपने हाथ पे डिपेंड करता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे तो जितना आप नीचे दबाएंगे उतना फास्ट चलेगा और जितना आप ऊपर करेंगे उतना लो चलेगा। वैसा ही पीछे भी है, जितना पीछे करेंगे उतना फास्ट जाएगा पीछे मुँह, और जितना आगे करेंगे उतना ही तो जो है सोलो जाएगा पीछे मुँह, ठीक है। और बीच में जो है न्यूट्रल है इसका, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा फुल दिखाई दिया और बताई दिया। इधर जो है देख रहे हैं चाबी स्विच इसका राइट साइड में दिया हुआ है, और जो है इसका लॉक करने के लिए इधर दिया हुआ है, ठीक है। और इधर देखिए सबसे मेन पॉइंट जो है इसका इमरजेंसी बटन इधर दिया हुआ है, ये जो है इमरजेंसी बटन है, ठीक है। इसको जब दबा देंगे तो इसका जो है मशीन चालू नहीं होगा। इधर देखिए अभी लाइट कटा हुआ है, इसको जो है चाबी को जो ऑन करेंगे तो लाइट आ रहा है, लेकिन जब इसको दबा दिए हैं पूरा तो इसको जो है चाबी ऑन करेंगे, चाबी स्टार्ट करेंगे तो देखिए चालू नहीं हो रहा है मशीन, ठीक है। और इसी को जो है जब इसको फिर से ओपन कर देंगे उसके बाद में जब चालू करेंगे तो ये जो है चालू हो जाएगा। अभी तो देखिए फ्रेंड्स इसको जो है चालू करते हैं, देखिए तो ये जो है रोलर चालू हो गया जब इसको इमरजेंसी बटन हटा दिए तो, ठीक है। इसको जो है बंद कर देते हैं अभी, ठीक है। आप सभी को एक बार चला के दिखाएंगे थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स इसको चलाने के लिए पीछे रेस्ट देना पड़ता है। अब जो है इसको आगे देखिए कैसे कर रहे हैं। अब देखिए रोलर बढ़ने लगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने लगा, जितना आप स्पीड देंगे उसी ऊपर रिबेंड करता है, ठीक है। देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है रोलर, देखिए ये जो है पीछे करने पे जो है पीछे जाने लगेगा। देख रहे हैं कैसे पीछे जा रहा है रोलर, देखिए पीछे जा रहा है, ठीक है। पीछे मुँह लीवर दबाएंगे तो पीछे मुँह जाने लगेगा रोलर, ठीक है। जितना आप स्पीड में लीवर दबाएंगे उतना ही स्पीड में पीछे जाने लगेगा रोलर। देख रहे हैं पूरा पीछे दबा दिए तो बहुत स्पीड में जाने लगा रोलर। देख रहे हैं कैसे पीछे जा रहा है। अब देखिए जो आगे दबा रहे हैं तो आगे देखिए पूरा फुल स्पीड में जाएगा जब पूरा दबा देंगे तो। देख रहे हैं इसका जो है कितना स्पीड जा रहा है। अब इसको जो है वाइब्रेट करने के लिए देखिए इसका वाइब्रेट बटन दबाइए तो थोड़ा। देख रहे हैं ऐसे आगे जा रहा है। अब इसी समय में जो है आप वाइब्रेट बटन दबा देंगे इसका वाइब्रेटिंग करने लगेगा। देखिए वाइब्रेट बटन दबा दिए, देख रहे हैं वाइब्रेट करने लगा। फिर से वाइब्रेट बटन दबा दिए तो वाइब्रेट छोड़ दिया। तो देखिए फ्रेंड्स पूरे रोलर के बारे में आप सभी को दिखाई दिया और बताई दिया। तो फ्रेंड्स रोलर के बारे में पूरा आप सभी को बताई दिया। ये जो टोटल बटन के बारे में, इधर रीडिंग के बारे में, ये जो जितना बटन है और इसका जो है लीवर के बारे में, रेस के बारे में, इधर जो है सब के बारे में दिखाई दिया और बताई दिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, हमारा यूजर आईडी नेम है bulletkumar68। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कोई अगले ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।